हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 21 में। इस लेक्चर का मेन टाइटल है इंक्वायरी रिक्वेस्ट। इस लेक्चर में जो हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। वो किस तरीके से आप ले सकते हैं उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस लेक्चर में टॉपिक्स हैं, उसके अंदर है परसुएसिव रिक्वेस्ट, रिप्लाइज टू इंक्वायरीज, रिप्लाइज टू परसुएसिव रिक्वेस्ट, रिफ्यूज़ल टू इंक्वायरीज और रिक्वेस्ट, मॉडल लेटर्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, राइटिंग अप्रिसिएशन लेटर्स, राइटिंग लेटर्स ऑफ कॉन्ग्रेजुलेशन, राइटिंग अनाउंसमेंट, इनविटेशन एंड वेलकम लेटर्स, राइटिंग एट वेल विशेज एंड सिंपैथी लेटर्स। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मेन जो टाइटल है हमारा ये है और उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो वन बाय वन इनको डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले परसुएसिव रिक्वेस्ट है। परसुएसिव रिक्वेस्ट कौन सी होती हैं ये थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बताया हुआ है। एक रिक्वेस्ट जो कि कोऑपरेशन के लिए की जाए, गिफ्ट या फेवर के लिए किसी को की जाए, यानी कि कोई इंटेंशन ना हो आपकी कि आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है या कोई चीज़ सेल करनी है, तो उसको हम परसुएसिव रिक्वेस्ट कहते हैं। या सिंपल आप कह सकते हैं कि ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें ऐसी इंटेंशन ना हो कि आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वो परसुएसिव रिक्वेस्ट कहलाती है। यानी कि इसमें जो है स्पेंड टाइम और मनी और गो टू सम ट्रबल टू हेल्प द राइटर। इसमें मेन रिक्वेस्ट क्या होती है कि ये लेटर की, इस रिक्वेस्ट का मेन मतलब ये होता है कि आपका जो रीडर है वो टाइम या मनी स्पेंड करे आपके ऊपर और राइटर के लिए किसी ना किसी थोड़ी सी परेशानी के अंदर वो जाए और इसमें रीडर का कोई फ़ायदा ना हो, तो ये परसुएसिव रिक्वेस्ट कहलाती है। इसमें क्या है, बिगन विद समथिंग दैट विल इंटरेस्ट द रीडर। यानी कि परसुएसिव रिक्वेस्ट आप जब लिख रहे हैं जिसमें आपको पता है कि रीडर का कोई बेनिफिट नहीं है, आप उससे अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से शुरू करेंगे कि जिसमें रीडर का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। जैसे रीडर बेनिफिट अपील आप देते हैं कि भाई अगर रीडर जो है उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा इसमें। पर्सनल एक्सपीरियंस अपील देते हैं कि उसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका कोई एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हुआ है, तो आप उसको बता रहे हैं कि अगर वो ये काम कर ले तो उसको भी फ़ायदा होगा, तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस की अपील यूज़ कर सकते हैं। फॉलो थ्रू विद द रीज़न फॉर रिक्वेस्ट, यानी कि आप जो है रीज़न जो है वो बताएँ कि आपका जो रीज़न है उसको ज़रूर शामिल रखें उसके अंदर, कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी मुसीबत में हैं, तो आप उसका जिक्र ज़रूर करें रीडर, अपने रीडर से उस रिक्वेस्ट को उस रीज़न के साथ ज़रूर जोड़ें। कॉम्प्लीमेंट द रीडर, रीडर को कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि आप किसी परेशानी में हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे रीडर को कि मैं इस परेशानी में हूँ, इससे मुझे जो निकाल, मैंने बहुत सोचा, मेरे बहुत सारा कनेक्शन में लोग हैं मेरे, लेकिन मुझे बताया कि आप मुझे इस परेशानी से निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। स्टेट द रिक्वेस्ट इन डेफिनेट एंड स्पेसिफिक टर्म्स, यानी कि एक डेफिनेट और स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल करें। ऐसे नहीं कि आप अपनी बात को घुमाएं, घुमा फिरा के बात नहीं करें, डेफिनेट और स्पेसिफिक टर्म्स को यूज़ करें। स्टिमुलेट एक्शन विद क्लोजिंग रिमार्क्स, स्टिमुलेट एक्शन ये होता है कि आप जब अपनी बात को क्लोज कर रहे हो तो उसमें क्या एक्शन आप चाहते हैं, किस तरीके की मदद चाहते हैं। जैसे आपको कोई पैसे चाहिए या कोई बिजनेस रेफरल चाहिए, तो आप एंड में लिखें कि आई वॉन्ट मनी फ्रॉम यू फॉर दिस एंड आई वॉन्ट योर रेफरेंस फॉर दिस, यानी इस तरीके से आप एंड करें उस जुमले का। रिफ्लेक्ट एन ऑप्टिमिस्टिक लुक, यानी कि आपकी जो राइटिंग है उसमें एक ऑप्टिमिस्टिक लुक आना चाहिए, एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी उसके अंदर नज़र आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई बात आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोई बात आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेंट चेंज हो जाता है आपके लेटर का, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें। यह हमें एक एग्जाम्पल दी गई है, यह हम देख लेते हैं। डियर रेजिडेंट्स, सॉरी, ये कोई सोसाइटी है उसके अंदर जो है वो अपने जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए लिख रहे हैं कि भाई डियर रेजिडेंट जो आप सोसाइटी में रहते हैं, कि जी ब्लॉक की जो सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी, वो एक सर्वे कंडक्ट करना चाह रही है अपने मेंबर के लिए। उनका मकसद ये है कि वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करें कि वो किस तरीके से अपनी क्वालिटी सर्विसेज को जो है बढ़ा सकते हैं और अपने मेंबर्स को जो बेनिफिट दे सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी वो उस मदद करेगी उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में कि कौन से प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं। इन एडिशन, और वो बोल रहे हैं कि इसके अलावा अवर प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी, हमारी जो प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी है वो इस इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो है वो भी आइडेंटिफाई कर लेगी और आपसे सजेशन भी ले लेगी कि भाई किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और पॉइंट में लिख रहे हैं कि हम जो है वो ईगरली, यानी कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके रिप्लाई का। प्लीज़ रिटर्न द सर्वे इन द इनक्लोज एंड क्लियर बाय द सितंबर 2020। यानी कि एंड में देखें, इस लेटर के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि हम सर्वे कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये कोई
वेलफेयर सोसाइटी होगी, उसके अंदर जो लोग होंगे वो काम कर रहे होंगे, उससे सोसाइटी के लोग जो हैं वो खुश नहीं होंगे। तो उन्होंने परसुएसिव रिक्वेस्ट की, इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो पहले ही परेशान हैं लोग। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम जो है एक सर्वे कर रहे हैं, आप इसमें हमारी मदद करें, हम अपनी क्वालिटी और सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। जो आपसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें आइडेंटिफाई करेगी कि भाई प्रॉब्लम क्या क्या है, और हमारी प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी जो है वो इस चीज़ को लेकर हमारी हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेगी और इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। और एंड में आपने एक्शन क्या कर दिया कि भाई आपके रिप्लाई का जो है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरीके, और इन रिप्लाई को जो है एक सर्वे एनवेलप के अंदर क्लोज करके हमें भेज दें। तो ये देखें, इसमें जो ऊपर हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, वो इसके अंदर पूरे क्लियर हो गए। तो आपने अगर परसुएसिव रिक्वेस्ट का टॉपिक याद कर रहे हैं तो आपने ये देखना है, और उसके बाद इन 5 पॉइंट्स को पढ़ना है और ये लेटर पढ़ लेना, आपकी परसुएसिव रिक्वेस्ट की जो है वो तैयारी हो जाएगी। रिप्लाइज टू इंक्वायरी, यूज़ अ डायरेक्ट प्लान व्हेन यू से यस टू इंक्वायरी और रिक्वेस्ट, एंड बी श्योर टू फॉलो द सजेशन लिस्ट इज हियर इन योर रिप्लाई। यानी कि जब आप इंक्वायरी का रिप्लाई कर रहे हो तो आप डायरेक्ट प्लान आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे आप किसी इंक्वायरी पे यस कहना चाह रहे हैं कि हाँ मैं दे रहे हैं, जब आप ये किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो जब भी इंक्वायरी का रिक्वेस्ट का रिप्लाई करें तो डायरेक्ट अप्रोच अपनाएं और कोशिश करें कि यस के रिप्लाई के साथ रिप्लाई करें। गिव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, यानी कि जब आप इंक्वायरी ले रिप्लाई करें इंक्वायरी को, तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दें। स्टेट इन द फर्स्ट सेंटेंस दैट यू आर ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट और आंसरिंग द इंक्वायरी। यानी कि आप जो अपना जुमला स्टार्ट करेंगे वो इस तरीके से करें कि भैया हम इन इंक्वायरी का जो है वो जवाब दे रहे हैं। कि कॉमन एरर कौन सा होता है इंक्वायरी के अंदर, कि उसमें जो कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपसे वो आप जवाब दे नहीं पाते उनका। क्या मार्किंग ऑन द लेटर, अब आप क्या करें, आपके पास जो इंक्वायरी लेटर आया उसके ऊपर जो जो सवाल पूछे गए हैं उनके ऊपर जो है आप मार्किंग कर लें, या उनको हाईलाइट कर लें, या जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं वो कर लें। और जब आप अपना रिप्लाई लिखें तो उसको डबल चेक कर लें और ओरिजिनल लेटर से उसको मैच कर लें कि भाई जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे क्या उन तमाम सवालों को मैंने जवाब दे दिया। तो ये सिंपल सी चीज़ है, जो आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और जितने सवाल पूछे गए उन तमाम जवाब का आंसर देना है, और रिप्लाई टू इंक्वायरी में डायरेक्ट अप्रोच आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद क्या है, द फॉलोइंग लेटर शो द रिक्वेस्ट फॉर द रिजर्वेशन। यानी कि किसी ने जो है वो आपको रिक्वेस्ट की रिजर्वेशन के लिए, इंक्वायरी की है कि भाई मैं रिजर्वेशन करना चाहता हूँ होटल के अंदर, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखें, ये है कि मिस्टर अली हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई, मिस्टर अली को रिप्लाई कर रहे हैं कि हम हैप्पी हैं कि आपने जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन सर्विस ली है और डिपॉजिट कर रहे हैं 21st Century Marketing 3 to 7 लाहौर के, और कि 21st Century Marketing कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 से 7 तक लाहौर में हो रही है। लाहौर हिल्टन है साइड ब्लॉक रूम, हाँ लाहौर हिल्टन के पास जो है वो साइड ब्लॉक रूम है, स्पेशल डिस्काउंट है कॉन्फ्रेंस अटेंडीज के लिए 1000, और रेट जो है वो 1000 रुपये सिंगल का है, 1500 डबल का है। रिजर्वेशन के लिए आप कॉल करें फरवरी से पहले। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो कॉन्फ्रेंस को 40% ऑफ द रेगुलर फेयर में डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है, फ्लाइट रिजर्वेशन के इस पे कॉल करें। जब आप कॉन्फ्रेंस में आ जाएं तो आप जो है वो मंडे अप्रैल 13 के आएँ और 1 PM तक आएँ स्पेशल राउंड टेबल डिस्कशन पर मार्केट एनालिसिस, ताकि आपको स्पेशल राउंड टेबल जो है मार्केट एनालिसिस के ऊपर वो दे सके। देखें, उन्होंने सिर्फ, हो सकता है सिर्फ होटल के लिए रिजर्वेशन के लिए पूछा हो, या सिर्फ फ्लाइट के लिए पूछा हो, या राउंड टेबल के लिए पूछा हो। तो देखें किस तरीके से प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या हो सकता है उन्होंने सारे सवाल पूछे हों कि भाई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कब से कब तक हो रही है, तो आपने उनको बताया कि भाई 3 से 7 तारीख तक कॉन्फ्रेंस हो रही है। हो सकता है उन्होंने जिक्र किया कि भाई 3 तारीख को कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उसमें आना चाहता हूँ, तो आपने बताया कि 3 से 7 अप्रैल तक कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके बाद उन्होंने रूम्स का पूछा हो तो आपने होटल का जिक्र कर दिया और उनको डिटेल बता दी कि इसी तरीके से रूम हो जाएगा, कॉल करके आप बुक करवा सकते हैं। उन्होंने टिकट का पूछा होगा तो आपने टिकट का बता दिया कि 40% डिस्काउंट होगा। उसके बाद उन्होंने टेबल का पूछा होगा कि कॉन्फ्रेंस में टेबल चाहिए, तो आपने उसका भी बता दिया। सॉरी, तो ये सारी चीज़ें आपने देखें एक प्रिसाइज वे में आंसर दे दिया। एक्सप्रेस एप्रिसिएशन फॉर द इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी आपसे की जा रही है, इंक्वायरी लेटर आपके पास आया है, इंक्वायरी इज़ अ सेंस कि आप जो है वो कोई मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं तो, या कोई घड़ी वगैरह सेल करते हैं, वो वारंटी में है तो वारंटी क्लेम के लिए आपके पास लेटर आ सकता है, या आप कोई फर्नीचर वगैरह सेल करते हैं तो उस फर्नीचर के लिए आपके पास कोटेशन के लिए आ सकता है, आप कोई इंजीनियरिंग कंपनी चलाते हैं, इंजीनियरिंग वर्कशॉप चलाते हैं तो उसकी कोई चीज़ बनाने के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन आपके पास आ सकता है, आपके पास कोटेशन आ सकती है किसी चीज़ की कि भाई ये बनाना है तो इस पर कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये सब चीज़ें इंक्वायरी है, ये वो वाली इंक्वायरी नहीं है, ये जो पुलिस और इस तरीके की जो इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी नहीं है, ये आपके प्रोडक्ट और सेल्स के बारे में जो इंक्वायरी है वो लेटर्स हैं।
एक्सप्रेस एप्रिसिएशन आपको दिखानी चाहिए कि कस्टमर को बताएं द रिप्लाई बाय इम्प्लीमेंटेशन यू आर ग्लैड, यानी कि आप जो है एप्रिसिएशन दिखाएं कि हमें बहुत खुशी हुई आपका लेटर मिला और हम बहुत खुश होते हुए आपको लिख रहे हैं कि आपने इंटरेस्ट दिखाया हमारी चीज़ों के अंदर। तो ये चीज़ें आपने दिखानी, ये एप्रिसिएशन कहलाती है। सेल योर ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट, पुट सेल इन टू एवरी लेटर यू राइट, यानी कि आप कोशिश करें एक इंक्वायरी लेटर जब आपके पास आता है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप जब अपनी प्रोडक्ट के बारे में दिख रहे हो तो आप नीचे और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं उससे रिलेटेड कि हम ये सर्विसेज भी अप्लाई करते हैं और इस पर हमारा इतना डिस्काउंट चल रहा है, आप ये भी ले लें। पॉजिटिव क्लोज से एंड करें, एंड में जो है वो आप जो है वो क्लोजिंग करते हुए बोलें कि थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट इन योर अवर प्रोडक्ट, और इस तरीके की आप बातें करके एक पॉजिटिव क्लोजर दे सकते हैं। जैसे कि एक लेटर है यहाँ पे दिखा रहे हैं, इनक्लोज आर सैम्पल ऑफ द पेपर वी रिकमेंड फॉर लेटर हेड स्टेशनरी, यानी कि किसी ने लेटर हेड स्टेशनरी के लिए आपसे रिक्वेस्ट की है, तो आप बोल रहे हैं कि हमने जो है वो इनक्लोज में जो है एक एनवेलप के अंदर कुछ पेपर्स हमने पेपर सैम्पल्स इनक्लोज कर दिए हैं जो कि लेटर हेड स्टेशनरी के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। हम बहुत खुश होंगे कि आप जो है अपना रिप्लाई जो है 15 जून से पहले हमें दे दें और हमें बता देंगे कंटेंट डिज़ाइन और दूसरी चीज़ें कैसी हों और एवर लास्टिंग इंप्रेशन टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एवर लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करें। तो ये देखें एक सिंपल सा है, एंड में पॉजिटिव क्लोज पे भी उन्होंने नोट किया है, जो इंक्वायरी है उसका भी रिप्लाई दिया है और एक अप्रिसिएशन भी है। तो ये जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए 2 से लेकर 4 तक, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। बाकी और एग्जाम्पल दी गई हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको रीड कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लाइज टू अ परसुएसिव रिक्वेस्ट, यानी कि इंक्वायरी रिक्वेस्ट की हो गई, अब हम परसुएसिव रिक्वेस्ट का रिप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू आंसर अ परसुएसिव रिक्वेस्ट व्हेन यू से येस आई स्माइलिंग हेयर इज इट हेयर इट इज़ और आई विल बी ग्लैड टू जस्ट अबाउट सम ऑफ द रिप्लाई, यानी कि परसुएसिव रिक्वेस्ट का रिप्लाई करना जो है वो आसान हो सकता है अगर आप येस कह रहे हैं, और या तो फिर आप कह लें हेयर इट इज़ यानी कि आई विल बी ग्लैड टू, ये इस तरीके के वर्ड यूज़ करके आप परसुएसिव रिक्वेस्ट पर रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप चीयरफुल येस के साथ रिप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना लेटर खोलें गुड न्यूज़, जो आपको एक ऐसी न्यूज़ मिली है जो कि गुड न्यूज़ है और आपको उसने हैप्पी कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे आई विल बी एट द सेमिनार टू हेल्प यू इन एनी वे आई कैन, द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स इंक्रीज इज इंपॉर्टेंट टू मी टू एंड आई एम ग्लेड यू प्लान द सेमिनार, यानी कि आपने अगर रीडर को एक सेमिनार अटेंड किया है उसके अंदर आपने बुलाया, अब आप याद करें कॉन्टेक्स्ट परसुएसिव रिक्वेस्ट में जो है आप एक रीडर को जो है उसमें उसका फ़ायदा नहीं होता, अब उनको सेमिनार में बुला ले हुए आप पैसे नहीं दे रहे होंगे, या वो एक अच्छे स्पीकर हैं या टैक्स के बारे में एक वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो टैक्स वगैरह को देखते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या एक एडवोकेट है या एक फाइनेंस पर्सन है, आप उनको बुला रहे हैं क्या वो एक सेमिनार आपने ऑर्गेनाइज़ किया है टैक्स से रिलेटेड कि आप उसमें आएँ और आप लोगों से स्पीच करें, तो परसुएसिव रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि उसमें उनको पैसे वगैरह तो नहीं मिल रहे होंगे, उनका फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन एक अच्छे नोट में आपने रिप्लाई करना है। तो देखें उन्होंने कितने अच्छे नोट में प्रोवाइड किया कि आई विल बी के मैं आपके सेमिनार पर आ जाऊँगा, जो टैक्स इंक्रीज़ का प्रॉब्लम जो है वो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके प्लान सेमिनार में आ जाऊँगा। अब इसमें हो सकता है कि ये स्पीकर हो या स्पीकर ना हो, ये वहाँ पर गेस्ट आपने इनको बुलाया। कन्फर्म डिटेल्स ऑफ द रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्टेंस, द कन्फर्मेशन कैन बी इंक्लूड विद द येस इन द फर्स्ट पैराग्राफ एज इट इज़ इन द ओपनिंग सेंटेंस वी आर प्लेस टू इंक्लोज द एंट्रेंस रिक्वायरमेंट ऑफ अर ग्रेजुएट बिजनेस प्रोग्राम, यानी कि अगर किसी ने जो है वो किसी यूनिवर्सिटी से इंक्वायरी की है परसुएसिव रिक्वेस्ट की है कि भाई मैं जो है वो एंट्री चाहता हूँ आपके ग्रेजुएट बिजनेस प्रोग्राम में, तो वो बोल रहे हैं कि वी आर प्लेस टू इंक्लोज द एंट्रेंस रिक्वायरमेंट ऑफ अवर ग्रेजुएट बिजनेस प्रोग्राम, तो वो इंक्लोज करके भेज रहे हैं कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी ग्रेजुएट बिजनेस प्रोग्राम की, वो आ गई है यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं कि कोशिश करें कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही जो है वो आप अपनी मेन टॉपिक जो है वो मेन बात डिस्कस कर दें। उसके बाद क्या है, ऑफर टू डू मोर देन रिक्वेस्टेड द समथिंग एक्स्ट्रा मे बी एन ऑफर टू डू मोर देन रिक्वेस्टेड, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करें। किस तरीके से, आप प्रोफेसर इज इन्वाइटेड टू स्पीक एट अ कन्वेंशन इस्लामाबाद, एक प्रोफेसर को जो है कन्वेंशन इस्लामाबाद में स्पीक करने के लिए बुलाया गया और उनको एक्सप्रेस किया गया कि उनको कोई फ़ीस नहीं दी जाएगी, तो प्रोफेसर ने जो है वो ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया बल्कि उसने ये ऑफ़र किया कि मैं कोई एक्सपेंस भी नहीं लूँगा आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला कि हम एक प्रोफेसर को बुलाया कि आप हमारे सेमिनार में आएँ या हमारे इवेंट पे आएँ और आके कुछ इजहार ख्याल करें इस टॉपिक के ऊपर। हम क्या कर सकते हैं, हम आपको कोई फ़ीस तो नहीं दे सकते लेकिन आपको जो एक्सपेंस लगेंगे यानी कि वो एक्सपेंस हम उठा सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे एक्सपेंस की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है मैं वैसे ही आ जाऊँगा क्योंकि मैं इस्लामाबाद में एक हफ़्ते के लिए आया हुआ हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे कि मैं आपके पास आ जाऊँ मंडे में और आपकी जो है वो एक्सपेंस करूँ और मैं कोई एक्सपेंस नहीं लूँगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से।
तो ये हो सकता है, तो ये परसुएसिव रिक्वेस्ट आ गई है, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आप देख लीजिएगा। रिफ्यूज़ल टू इंक्वायरीज ऑन रिक्वेस्ट, अब आप रिफ्यूज़ल कर रहे हो इंक्वायरी और रिक्वेस्ट का, पहले हम एक्सेप्टेंस कर रहे थे अब हम रिफ्यूज़ल की तरफ जा रहे हैं। व्हेन यू मस्ट से नो यूज़ द इनडायरेक्ट प्लान एंड डिलीवर द बैड न्यूज़ जेंटली एंड टैक्टफुली, यानी कि जब आपने इंक्वायरी इंक्वायरी को या परसुएसिव रिक्वेस्ट को, सिंपल आपने इंक्वायरी या रिक्वेस्ट को जब नो कहना हो तो आपने इनडायरेक्ट प्लान यूज़ करना है, और जब आपने येस कहना हो तो आपने डायरेक्ट प्लान यूज़ करना है। अब इनडायरेक्ट प्लान में जब आप नो कह रहे हैं तो आपने बैड न्यूज़ ही देनी है उनके लिए, तो बैड न्यूज़ ही है ना जब उनके काम से आप मना कर रहे हैं, तो आपने जेंटली देनी है और टैक्टफुली देनी है, यानी कि इखलाकी तौर पर और एक सिंपल और अच्छी ट्यून में गुडविल को बरकरार रखते हुए रिप्लाई करना है। अ ग्रेशियस रिफ्यूजल इज़ मच लाइक अ परसुएसिव रिक्वेस्ट, यू आर आस्किंग योर रीडर टू एक्सेप्ट योर डिसीजन एज अ ओनली फेयर आंसर अंडर द सर्कमस्टांसिस, यानी कि एक ग्रेशियस रिफ्यूजल आपने कहना है कि इखलाकी तौर पर एक आप अच्छे वे में आपने जो है वो परसुएसिव रिक्वेस्ट का रिफ्यूजल करना है, और आपने अपने रीडर को एक सिचुएशन बतानी है कि ये वजह है, इस वजह से मैं इससे इंतज़ार कर रहे इनकार कर रहा हूँ, या मेरे सर्कमस्टांसिस हैं जिसकी वजह से मैं इस चीज़ में नहीं आ सकता। रिमेंबर दैट अ नो लेटर है टू पर्पस, यानी कि जो नो लेटर है उसके दो मेन मकसद हो सकते हैं कौन कौन, पहला तो ये होता है कि आप ना कह रहे हैं, और दूसरा क्या है कि आप रीडर की गुडविल को बरकरार रखना चाहते हैं, यानी कि आप मना तो कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं, जैसे आपके बहुत अजीज़ जानने वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो किसी काम को हमसे कहते हैं, और उसी दिन हमारा जो कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है या क्विज़ है, तो आप उनको किस तरीके से मना करेंगे, तो एक अच्छे गुडविल को बरकरार रखते हुए आपने उनको मना करना होता है। टू अकम्प्लिश बोथ पर्पज़ कंसिडर द सजेशन लिस्टेड बिलो, यानी कि इन दोनों मकसद को पूरा करने के लिए आप जो सजेशन है नीचे इसको देख लें, क्या स्टार्ट विद अ फ्रेंडली बफर पैराग्राफ। अब बफर क्या होता है इसके बारे में हम पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल बफर ये होता है कि आप अपने रीडर को पहले अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर लेकर आते हैं, देन आप अपनी बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, योर प्रपोजल फॉर अ जॉइंट मीटिंग ऑफ द फैकल्टी एंड फ्यूचर बिजनेस लीडर ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्साइटिंग, आर एंड यू मोर लाइकली टू रीड द रेस्ट ऑफ द मैसेज विद एन ओपन माइंड, यानी कि अब आप जो है ये आया है कि आपका जो प्रपोजल है जॉइंट मीटिंग फैकल्टी के लिए फ्यूचर बिजनेस लीडर ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, और आप जो है काइंडली पूरा लेटर पढ़ें और ओपन माइंड के साथ पढ़ें, यकीनन वो आगे जो है वो इस लेटर में नो कहने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने इस तरीके की वर्डिंग से स्टार्ट किया, यानी कि पहले बफर रखा और फिर उसके बाद जो है वो अपनी बात को स्टार्ट की, तो ये बफर है कि फ्रेंडली बफर के साथ स्टार्ट किया। टेल द रीडर वाई यू कैन नॉट येस, आप अपने रीडर को बताएं कि आप येस क्यों नहीं कह सकते, अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर आप डायरेक्ट येस या नो कहने के बजाय अपने लीडर को कॉम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद उसको बताएं कि ये वजह है, इस वजह से जो है मैं ना कर रहा हूँ। अवॉइड नेगेटिव रिफ्यूज़ल, यानी कि डायरेक्टली आप नो कह दें, इस तरीके के नहीं करना चाहिए आपको कि किसी ने आप जैसे प्रोफेसर को उन्होंने इस्लामाबाद में बताया था, वो साफ कह दें कि नहीं भाई आप मुझे फ़ीस ही नहीं दे रहे तो मैं नहीं आ सकता, मेरी इतनी फ़ीस होती है बात करने की, तो इस तरीके से कहते हैं तो वो एक अच्छी ट्यून में नहीं जाता। अब जैसे एक मिसाल दे रहे हैं, डियर सर वी आर सॉरी दैट योर पोर्ट्रेट हैज़ बिन डैमेज, दिस रियली हैपन टू मलिक फ़ोटोज़, यानी कि मलिक फ़ोटोज़ के पास कोई तस्वीर बनने के लिए आई होगी, तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो पोर्ट्रेट था आपकी तस्वीर जो है वो डैमेज हो गई है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से मलिक फ़ोटोज़ में ऐसा वाक्य होता है, वरना ऐसा होता नहीं है, हम जो है आप बड़े परेशानी के साथ आपको बता रहे हैं कि हम नेगेटिव जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं रखते, क्योंकि हमारे पास इतने स्टोरेज स्पेस नहीं है, और हम जो है दोबारा आपका पोर्ट्रेट रिप्रिंट नहीं कर सकते, हम जो है आपको रिफ़ंड कर रहे हैं अमाउंट 500 का, कि जो आपको अग्रेज 6 दिन में 6 हफ़्तों में मिल जाएगा, हमारी अपोलोजीज़ को एक्सेप्ट करें, और हम वी आर ग्रेटली योर पेट्रोनेज, यानी कि हम जो है वो आपकी जो हमारे साथ सर्विसेज हैं, जो आप हम पर रिलाई करते हैं, हम पर ट्रस्ट करते हैं अपनी पिक्चर्स के लिए, पोर्ट्रेट्स के लिए, डिज़ाइन के लिए, तो हम जो हैं वो उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, विद काइंडेस्ट पर्सनल रिगार्ड और काइंडेस्ट पर्सनल रिगार्ड योर सिंसियरली, यानी कि आप देखें उनका पोर्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट होगा, उसके लिए पिक्चर उन्होंने डिसाइड की होगी, बनवाई होगी, और वो डैमेज हो गई, तो उसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं नो का, कि हम उनको नहीं दे सकते, तो ये सारी चीज़ें। गिव इंकरेजमेंट व्हेन यू गिव अप, व्हेन यू कैन गिव अप, यानी कि आप इंकरेजमेंट करें जब आप उनको दे सकते हो, जैसे कि सम टाइम यू कैन टेक द स्टिंग आउट ऑफ नो विद द हेल्प ऑफ सजेशन, यानी कि आप बिल्कुल नो कहने की बजाय किसी और सजेशन, हेल्पफुल सजेशन या किसी और वर्ड को आप इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ से मना कर सकते हैं। कैसे, आर डिपार्टमेंटल स्टोर रिप्रेजेंटेटिव इन डिक्लाइनिंग एन ऑर्डर फॉर एन आर्टिकल नॉट कैरिड बाय द स्टोर, मे टेल द कस्टमर वेयर ही कैन शी मेक द परचेज, द रिजर्वेशन मैनेजर ऑफ अ होटल नॉट एबल टू मेक द रिजर्वेशन रिक्वेस्टेड सजेस्टेड, यानी कि आपके पास जो है वो आप अपने रीडर को जो है रिक्वेस्ट के ऊपर आप मना भी ना करें,
और उनकी हेल्प कर दें। जैसे कि एक होटल में रिजर्वेशन के लिए अगर आपके पास कोई इंक्वायरी लेटर आया है या कोई आपसे बात कर रहा है कि भाई मुझे इस होटल में रूम चाहिए, तो आप जो है उनके आपके पास रूम अवेलेबल नहीं है, तो आप इनको डायरेक्टली मना ना करें, बल्कि आप एक हेल्पफुल सजेशन देंगे, सर इस टाइम जो है हमारे पास रूम नहीं है, हमें बहुत दुख हो रहा है कि आप इतने अच्छे कस्टमर हैं हमारे, आप हमारे पास आज बुकिंग नहीं करवा पाएंगे, तो लेकिन हमारा एक और या एक हमारे कोलीग का होटल है इस इंडस्ट्री का जो कि हमारे से मिलती जुलती सर्विसेज देता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, तो आप वहाँ बुकिंग करवा दें, और अगर आप चाहें तो मैं वहाँ मैनेजर से बात करके आपकी बुकिंग करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। अब मॉडल लेटर है, अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो सेम है, उसके ऊपर वो बता रहे हैं इन्हीं परसुएसिव रिक्वेस्ट के ऊपर, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा कि इसके अबव रिप्लाई क्या होगा, ये दोनों आप रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वेयर फैक्ट्स आर मेनली फेवरेबल और न्यूट्रल, फॉलो दिस गाइडलाइन। यानी कि जब फैक्ट जो हैं वो फेवरेबल हों या तो बिल्कुल ही न्यूट्रल हों, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में आप सबसे पहले जो है वो अपना मेन आइडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेट द एप्लीकेंट फुल नेम एंड व्हाट हिज और हर रिलेशनशिप विद यू, कि आपका अगर कोई एम्प्लॉय है या आपकी क्या रिलेशनशिप है उससे, कस्टमर है, फ्रेंड एट्सेट्रा, और डेट वगैरह मेंशन करें, टाइम दें, टाइप ऑफ जॉब दें, क्रेडिट वट एवर जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप ऐड करें, और एक एक्सप्रेशन ऐड करते हैं उनमें प्लेजर टू योर लेटर, यानी कि एंड में थैंकिंग जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो थैंकफुल नोट दें। एक्सप्लेनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आंसर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आंसर करें डायरेक्टली, जो अंडरस्टूड हैं आपके समझ में आ रहा है उसको जवाब दें, अपने स्टेटमेंट को जो सपोर्ट करें एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग के वर्ड यूज़ करें, स्पेसिफिक फैक्ट अबाउट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, यानी कि जो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है वो आप पूरे डिफाइन करें। जॉब एप्लीकेंट के लिए भाई जो स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं और एप्लीकेशन जो उन्होंने परफॉर्म करनी है वो सारे लिखें, वो ड्यूटी जो है रेलेवेंट फॉर द पोजीशन विच द एप्लीकेंट इज कैंडिडेट इफ नॉन, यानी कि आप जो जिस पोजीशन के लिए वो जॉब दे रहे हैं तो उससे रिलेवेंट क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो सारी आप उसमें लिखते हैं। मेंशन व्हेन डिज़ायरेबल वर्क हैबिट दैट शो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि डिज़ायरेबल वर्क हैबिट जो आपके यहाँ यूज़ होती हैं और जो पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उनके अंदर हैं, तो वो आप सारे लिखते हैं कि जिसकी वजह से उनको जो है वो रिकमेंडेशन हो रही है उनकी प्रमोशन के लिए किसी चीज़ के लिए। एंडिंग जो है इंक्लूड इफ पॉसिबल अ फ्रेंडली स्टेटमेंट ऑफ योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द एप्लीकेंट प्रोबेबली फिटनेस फॉर द पोजिशन फॉर क्रेडिट एट्सेट्रा, यानी कि आप जो है अगर अपने एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं तो आपका जो पर्सनल ओपिनियन है, फ्रेंडली स्टेटमेंट है, जो वो उस लेटर के एंड में आप जो है वो लिख सकते हैं। राइटिंग एप्रिसिएशन लेटर, एप्रिसिएशन लेटर अगर आप लिख रहे हैं, जस्ट एज यू कैन फाइंड मेनी ओकेशन फॉर राइटिंग पर्सनल थैंक यू मैसेज, यू विल ऑल्सो फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर राइटिंग थैंक यू लेटर्स फॉर टू बिल्ड गुडविल ऑफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं जब आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं, अपने टीचर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने बॉस को, या अपने किसी रिश्तेदार को, या अपने किसी पार्टनर को, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आती हैं, और आप अपनी लेटर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को भी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप एक नए कस्टमर को फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर लिख रहे हैं, एक इस्टेब्लिश कस्टमर को लार्ज ऑर्डर देने पर लिख रहे हैं, एक ओवरड्यू बिल जो है बहुत बड़ा आपका वो पेमेंट हो रही है, लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ स्पेशल अकाउंट परचेज़, आपने कोई परचेज़ किया है उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट आप रिसीव कर रहे हैं। ओकेशनली इट शुड हैपन मच मोर ऑफन, सच लेटर्स आर आल्सो सेंड टू, यानी कि ओकेशनली जो है वो बहुत ज़्यादा होता भी है और नहीं भी होता, ये लेटर जो है वो सेंड किए जाते हैं, इन लोगों को भी सेंड किए जाते हैं। कस्टमर हु ऑर्डर रेगुलरली एंड पे देयर बिल्स ऑन टाइम, एम्प्लॉय हु कंटिन्यूअली, एम्प्लॉय जो कि अपना काम रोज़ाना अच्छी तरीके से करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉर्पोरेट ऑन एवरी डे जॉब बट गेट लिटल अटेंशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोग जो कि अपना काम बहुत ज़्यादा मेहनत से और रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं लेकिन उनको जो है वो बहुत कम अटेंशन मिल रही होती है। जैसे कि यहाँ पर एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन की हमें एग्जांपल दी गई है, डियर राहिल थैंक यू फॉर द टाइम एंड एफर्ट यू पुट इनटू द प्रेजेंटेशन फॉर द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मीटिंग यस्टरडे, यानी कि राहिल साहब ने जो है वो टाइम और एफर्ट लगा के चार्टर्ड अकाउंट की एसोसिएशन के लिए जो है वो एक प्रेजेंटेशन बनाई है, और वो बोल रहे हैं आई फील योर टॉक वॉज वेरी वेल रिसीव्ड बाय द मेम्बर ऑफ द एसोसिएशन, कि आपका जो मैसेज है वो और आपने जो बात की है प्रेजेंटेशन में वो मेंबर ऑफ एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और उन तक अच्छी तरीके से पहुंची है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी विलिंगनेस को और इस पब्लिक अपेयरनेस को और कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने जो आपने बात की उसके ऊपर, यू हैंडल द टॉपिक वेरी वेल एंड योर प्रोफेशनल अप्रोच वॉज एन एग्जाम्पल, कि आपने टॉपिक को बहुत अच्छे लिया और आपकी प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो एक एग्जाम्पल है।
अब कॉन्ग्रेजुलेशन के लेटर हैं, मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेजुलेशन रिकमेंडेशन माइक लाइक टू टू मैसेज ऑफ अप्रिसिएशन, यानी कि लेटर ऑफ कॉन्ग्रेजुलेशन के जो लेटर हैं वो बिल्कुल ही अप्रिसिएशन से तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। ईच रिकोगनाइज एंड एक्सप्रेस इंटरेस्ट अ वर्थ वाइल अचीवमेंट, यानी कि एक वर्थ वाइल अचीवमेंट जो है उसके ऊपर आता है। अ लेटर ऑफ अप्रिसिएशन से थैंक यू एंड इम्प्लाइज वेल डन, यानी कि थैंक यू या वेल डन की अप्रोच के साथ आता है। When your friends celebrate special event, receive honors and you want to congratulate them in the same way business people use congratulatory letter on such occasions such as anniversary, graduation, birth, marriages, new business or homes, promotion, elections, retirement and various awards and rewards। यानी कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो अच्छी मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी वैल्यूज़ के अंदर ये शामिल होता है कि जब उनके एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म करते हैं या उनके कोई फैमिली इवेंट्स होते हैं या उनके कोई पर्सनल इवेंट होते हैं उनकी लाइफ में, वो किसी चीज़ में प्रोग्रेस करते हैं तो वो जो है कॉन्ग्रेजुलेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि उनकी एनिवर्सरी पे उनको लेटर भेज दिया, बर्थडेज़ पे, मैरिजेस पे या कोई न्यू बिजनेस पे उनको अप्रिशिएट करते हैं। डियर शायद कॉन्ग्रेजुलेशन ऑन योर रिसेंट प्रमोशन टू प्रेजिडेंट ऑफ द कम्युनिटी बैंक, इट इज़ वेल डिजर्व। आई एम श्योर दैट द बिजनेस विल ग्रो एंड प्रपोज अंडर योर कैपेबल लीडरशिप, योर सिंसियरली। यानी कि ये हो सकते हैं उनके जो बॉस हों उन्होंने प्रेजिडेंट बनने पर उनको जो है वो लेटर लिखा हो। उसके बाद अनाउंसमेंट इनविटेशन लेटर्स होते हैं। गुडविल अनाउंसमेंट इनविटेशन इंक्लूड अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस, अ न्यू लोकेशन और एक्सपेंशन और रीऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं और ट्रांसफ़र हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, क्या कोई न्यू लोकेशन उन्होंने ली है या नया बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया, तो उसके ऊपर अनाउंसमेंट इन्विटेशन के लेटर आते हैं। वेलकम लेटर्स हैं, वेलकम लेटर रिटर्न फॉर मैनी इक्वेशन द मैसेज आर मोरल बिल्डर्स, यूजली दे हैव डेफिनेट स्किल्स एज फेवर, यानी कि न्यू मेंबर ऑफ द क्लब को लिखे जाते हैं, न्यू कस्टमर को, न्यू सब्सक्राइबर को लिखे जाते हैं। राइटिंग गेट वेल विशेज एंड सिंपथी लेटर वैन अ पर्सनल फ्रेंड और बिजनेस एक्वेंटीज इज इल, यानी कि जब कोई बीमार होता है या कोई परेशान होता है तो उसके ऊपर जो है लेटर ये लिखे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल सी भी आप रीड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर था, मिड टर्म का मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा लेक्चर यही था, तो मैंने कोशिश की है कि डिटेल में आपको बताया जाए। इतनी डिटेल में जाके बात करने का और ये हाईलाइटेड नोट्स इतने ज़्यादा हाईलाइट करने का, इनको सॉर्टिंग करने का, इम्पॉर्टेंट टर्म्स को और नॉन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, मकसद ये होता है कि आपको बात जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए और आप एक दफ़ा ये लेक्चर ले लें तो आप इजीली जाके अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। तो हमेशा की तरह वीडियो के एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब जो है वो क्विजेज, असाइनमेंट और GDPs वगैरह आने शुरू हो गए, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे तो जैसे ही कोई भी असाइनमेंट, क्विज या GDP आता है तो हम उसका सोल्यूशन जो है वो उसी दिन जो है वो 5 से 6 घंटे में, या कोशिश करते हैं उसी दिन क्लोजिंग डेट से, उसकी डेडलाइन से एक दिन पहले या 24 घंटे पहले हम अपलोड कर देते हैं। उससे ये होगा आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन दबाया होगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको देख के इजीली अपना असाइनमेंट, क्विज और GDP अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।